नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्मा फैक्ट में। गर्मियों के समय में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सभी को बहुत ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन मतलब आपके शरीर से पानी कम हो जाता है, आपको पसीने की वजह से पानी कम हो जाता है, या और गर्मी की वजह से आपको पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में। तो गर्मियों में पानी की कमी से आपको जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो होती है। डिहाइड्रेशन में आपको वॉमिट जैसा फील होता है, आपके जो पेशाब है उसमें कमी आ जाती है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आपको होती है गर्मियों में। तो जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट भी पसीने के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन की कमी के कारण हमें ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें इलेक्ट्रोल की ज़रूरत होती है, या ऐसे मिश्रण की ज़रूरत होती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिले हुए हो। तो वो मिश्रण कैसे तैयार किया जाता है, या जो मार्केट में रेडीमिक्स इलेक्ट्रोल होता है वो कैसे बना हुआ होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गर्मियों के दिनों में आपको एक ऐसे मिश्रण की ज़रूरत होती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आपको शरीर को इलेक्ट्रोलाइट मिल सके। मार्केट में वैसे तो कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रोल FDC कंपनी का सबसे फेमस इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम इलेक्ट्रोल है। जो मार्केट में FDC कंपनी का इलेक्ट्रोल आता है इसमें सोडियम, पोटेशियम, सिट्रेट, डेक्सट्रोज ये सब पाए जाते हैं, जो कि हम नॉर्मल घर पे भी बना सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को रेडी कर सकते हैं। हमें घर में ऐसा रेडी करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले शुगर जो कि शक्कर हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद में हमें सोडियम जो कि नमक बोलते हैं हम उसको, और उसके बाद में डेक्सट्रोज जो कि आपकी जो शक्कर होती है उसमें अवेलेबल हो जाती है। तो इन सब का मिश्रण करके उसमें नींबू जो कि सिट्रेट बोलते हैं उसको, नींबू को हम उसमें डालते हैं, तो हम घर पे भी ऐसा मिश्रण रेडी कर सकते हैं। हम वो मिश्रण लेते हैं तो उससे हमारे जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस हो जाते हैं। जो भी पसीने के साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर गए हुए होते हैं वो सब इस मिश्रण से हमारे शरीर में इनकी पूर्ति हो जाती है। जब ये पसीना निकलता है तो उसमें पोटेशियम, ये सिट्रेट वगैरह सब बाहर निकलते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में वीकनेस आने लगती है और हमें ये सब वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए जो इलेक्ट्रोल पाउडर है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोल है वो जिम जाने वाले व्यक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है, अगर कोई एथलीट है तो वो भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जब आप दौड़ते हो तब भी आपको पसीना आता है, तो उस समय भी आपको जो इलेक्ट्रोल है, ये आपकी जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपके पसीने के साथ बाहर जा रहे हैं उनकी पूर्ति करने में ये इलेक्ट्रोल आपका काम करता है। ये FDC कंपनी का जो इलेक्ट्रोल है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये 20 रुपये में आपको मिलता है इसका एक सेसेट, जो 22 ग्राम के लगभग आपको मिल जाता है, और ये 1 लीटर के लिए पर्याप्त होता है। इसको 1 लीटर में मिलाकर इसके मिश्रण को पीना चाहिए। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की BP अचानक से लो हो जाती है तो उस स्थिति में उसको एकदम कमजोरी फील होने लगती है ज़्यादा, तो उस स्थिति में भी आप ये इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग कर सकते हो और अपनी BP को नॉर्मल करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और गर्मियों में ये जो इलेक्ट्रोल है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक घर में आप या तो इलेक्ट्रोल रखें, या ये मिश्रण जो बनाने की प्रक्रिया जिसमें नमक मिला के, आपको शक्कर मिला के और उसमें पानी में नींबू डाल के 1 लीटर में बना के आप अवेलेबल रखें, जिससे कि जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तब आप उसको पी सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।